अब आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील दे दी। अवाम का नैब की तरफ ज़्यादा रुझान अवाम की नैब पर अतमाद का जामिन है। इजलास में मजीद किन अमूर पर बातचीत की गई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको अभी अपडेट करते चले, करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील दे दी जाएगी। चेयरमैन नैब का कहना है अवाम का नैब की तरफ ज़्यादा रुझान अवाम की नैब पर अतमाद का जामिन है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, इजलास के हवाले से बताइएगा। जी चेयरमैन नैब ने जो है अब जो है फिर दौरा के अंदर ऑफिस बन चुकी है, वो एक दिन पहले भी जो है लाहौर ऑफिस उन्होंने कारकर्दगी का सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया था नैब की। उस पर उन्होंने कहना था कि लाहौर ऑफिस जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। उनका कहना यह था कि नैब की ऑपरेशन पॉलिसी को जो है बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि 42% जो है अवाम ने नैब पर इस्तेमाल से इजहार किया, जिसकी वजह यह है कि नैब की कारकर्दगी दिन ब दिन जो है बेहतर हो रही है। जावेद इकबाल का कहना था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शुमारियात पाकिस्तान को 102 से 99 नंबर पर जाहिर कर रहे हैं, जिसका का मकसद ये है कि पाकिस्तान करप्शन पे जो है साफ पाने में जो है अपना कारकर्दगी को बेहतर बना रहे हैं। इस हवाले से आज जो उन्होंने दौरा किया, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर डीजी नैब लाहौर को जो भी हदायत की, उसके बाद वापस बात के लिए रवाना हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।